वेलकम टू बाइट एडुटेक एंड दिस इज़ अ कंटिन्यूड क्लास. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर नेम्ड सिल्क रोड फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. इट्स द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 ऑफ हॉर्नबिल. सिल्क रोड मैंने पहले वीडियो में कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिल्क रोड या सिल्क रोड जैसा कोई वर्ड कभी वो पढ़े होंगे, शायद उनके दिमाग में होगा, जिसमें मैंने बताया था सिल्क रूट या सिल्क रूट्स पढ़े हो सकते हैं अपने स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे. तो सिल्क रोड और सिल्क रूट क्या है, इसके बारे में चैप्टर क्यों दिया गया है, क्या क्या लिखा गया है, इन सबसे पहले मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में, उसके राइटर के बारे में कुछ एसेंशियल बेसिक इन्फॉर्मेशंस रखना चाहिए. जब तक आप ऑथर को के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके द्वारा लिखे गए कहानी को या पैराग्राफ को या ऐसे कुछ भी उसके द्वारा लिखा गया है, तो आप उसको उतने अच्छे से नहीं समझ पाइएगा जितना अच्छा से ऑथर को जानने के बाद कि हमारा ऑथर कौन है, कैसा टेम्परामेंट का है, कैसा ह्यूमन बीइंग है, कैसा नेचर है, ये सब जानने के बाद उनके द्वारा लिखा गया जो भी राइटिंग्स होता है वो समझने में थोड़ा आसान होता है. तो मैं आपको इस चैप्टर के राइटर निक मिडिल्टन, यहाँ लिखा हुआ है निक मिडिल्टन के बारे में मैं कुछ डिस्कस कर रहा था. वो डिस्कशन हम लोग के बुक में नहीं है, तो हम लोग अपने नोट्स से वो डिस्कशन कर रहे थे निक मिडिल्टन के बारे में, ठीक है. और काफ़ी कुछ कुछ हम लोग जान चुके थे, जैसे इनका नाम मिडिल्टन निकोलस जे, ये सबको नहीं पता होगा. तो इसको अगर आप याद रख पाएं कि निक मिडिल्टन जो नाम दिया गया है ना, उसको ऐसे लिखते हैं मिडिल्टन निकोलस जे. तो इनके बारे में बताया गया कि ये एक इंग्लिश मैन है ना. इनका जन्म लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, लंदन मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम. और इनका जन्म 1960 में हुआ था. एट प्रेजेंट ही इज 62 ईयर्स ओल्ड. निक मिडिल्टन अभी 62 साल के हैं, 62 ईयर्स ओल्ड. 1960 में जन्म हुआ. कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, ये क्या है ना, ये फैक्ट्स होते हैं. और कभी कभी ये फैक्ट्स आपके काम आते हैं, आंसर्स बनाते वक्त, आंसर्स लिखते वक्त अपने आंसर को बाकी स्टूडेंट्स के आंसर से
एक स्टेज अपग्रेड करके लिखने में ये जानकारियाँ काम आती हैं। लंदन में जन्म हुआ, 1960 में हुआ और 62 इयर्स का एज है। इनके बारे में एक और बात जो बहुत यूनिक बात है, बड़ा अचीवमेंट है, वो भी डिस्कस किए थे कि निक मिडिल्टन ने अभी तक 70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि निक मिडिल्टन कौन है, तो एक वर्ड सबसे पहले आता है, ही इज़ अ ट्रैवलर, क्योंकि वो 70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, और मोर देन 70 कंट्रीज लिखा हुआ है, और उन्होंने वो जहाँ जहाँ वो ट्रैवलिंग पर गए, अलग अलग 70 मोर देन 70 कंट्रीज लिखा हुआ है ना, तो सोचो 70 कंट्रीज कम नहीं है, तो जिस कंट्री में भी वो गए, ठीक है, तो उस कंट्री के लोगों के बारे में, उस कंट्री के एटमॉस्फेयर, वेजिटेशन, द लिविंग ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, डेवलपमेंट, ये सब के बारे में उनको पता चला हर कंट्रीज को। उन्होंने सेवेंटी कंट्रीज जब विजिट किया तो बहुत कुछ जाना ना उन कंट्रीज़ के बारे में, और वो सारी चीज़ें जाना, वो सारे कंट्रीज़ को विज़िट किया, जिसमें से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो पहले से अननोन थे दुनिया के लिए। यहाँ पर ट्रैवलर वर्ड यूज़ किए ना, उसके साथ साथ एक वर्ड और आगे आएगा, अभी ही लगा लेते हैं, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब समझते हो, एक्सप्लोर करने वाला। वो एक होता है इन्वेंटर, एक होता है एक्सप्लोरर, फर्क है। इन्वेंट मतलब नया चीज़, जो चीज़ पहले से मौजूद ना हो, और एक्सप्लोरर मतलब वो जगह, वो चीज़ जो पहले से ही मौजूद है लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में पता नहीं लगाया है, तो जो फर्स्ट टाइम पता लगाएगा उसको एक्सप्लोरर कहा जाएगा उसका। तो निक मिडिल्टन के साथ जो ये ब्रिटिश हैं, इनके साथ ट्रैवलर वर्ड भी लगेगा, इनके साथ अभी जो मैंने वर्ड बताया एक्सप्लोरर, ये वर्ड भी लगेगा, और इन्होंने बहुत सारे ट्रैवल बुक्स लिखे हैं। अब एक्सप्लोरिंग पे जाते थे, ट्रैवलिंग पे जाते थे, तो ऑब्वियस है ट्रैवल बुक तो लिखेंगे, बहुत सारे लिखे हैं। उनमें से 5, 6 या 7 जो ट्रैवल बुक है, जहाँ तक मुझे याद है 7 ट्रैवल बुक्स इनके बहुत फेमस हुए हैं। उन ट्रैवल बुक्स का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, आपको वो बुक दिखाएंगे भी पिक्स में। तो इन्होंने ट्रैवल बुक्स, बहुत सारा ट्रैवल बुक्स लिखा, जिसमें से एक ट्रैवल बुक को 2001 में बेस्ट सेलर रहा। वो बेस्ट सेलर का मतलब समझा, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में मतलब पूरा यूके में वो किताब 2001 में सबसे ज्यादा बिकी। अब अगर कोई किताब यूनाइटेड किंगडम जैसे जगह पे
बेस्ट सेलर होता है तो आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो बुक अपने आप में कितना स्पेशल होगा जो कि बेस्ट सेलर बना। तो ये 2001 में ये फैक्ट भी याद रखना। और जो बुक उनका बेस्ट सेलर बना था उस बुक का नाम यहां है गोइंग टू एक्सट्रीम्स। ये बुक का नाम है, बुक है पूरा। मैंने शायद पिक्स भी दिखाए थे इसके, बुक्स ऑफ एक्सट्रीम जो यहाँ आएगा। ये देखो सबसे पहले तो ये है आपके 62 इयर्स ओल्ड निक मिडिल्टन, ब्रिटिश फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, बॉर्न इन लंदन 1960। ये हैं निक मिडिल्टन, ठीक है। इसके बाद जो मैं बुक की बात कर रहा था, एक और पिक है मेरे पास, ये भी निक मिडिल्टन का ही है। एट यंगर एज ये निक मिडिल्टन का है। और जो इसके पहले दिखाए हम, ये एट द एज ऑफ 62 प्रोबेबली ये निक मिडिल्टन है, है ना, ये भी निक मिडिल्टन है। और जो बुक जो बेस्ट सेलर हुआ था 2001 में यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, वो बुक ये बुक रहा। ये मैं बुक पे आता हूँ, ये बुक, ये अगर इसको मैं थोड़ा जूम इन करूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है उस पिक का, पर फिर भी आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है गोइंग टू एक्सट्रीम्स, ठीक है, गोइंग टू एक्सट्रीम्स। उसके नीचे ना बाईलाइन भी लिखा हुआ है, एक बाईलाइन यहाँ लिखा हुआ है, मड स्वेट। ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा पर मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक अच्छा ये लाऊं मैं। और यहाँ आप देखोगे निक मिडिल्टन, यही वो किताब है गोइंग टू एक्सट्रीम्स। ये वो बुक है जो 2001 में यूनाइटेड किंगडम में बेस्ट सेलर रहा था। और ये बात जो है बेस्ट सेलर रहने वाला बात, ये बात हमारे ऑथर निक मिडिल्टन के उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें जो पोटेंशियल है, हाउ गुड राइटर ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स वन ऑफ द। और ट्रैवलर होने के साथ साथ, ठीक है, ट्रैवलर तो थे ही, उसके साथ वो एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है, देखो, वो एक अवार्ड विनिंग जियोग्राफर भी थे। पहले हो गया आसान वर्ड एक बता दिए, ट्रैवलर, ट्रैवल करने वाला ट्रैवलर होता है। और वो ट्रैवल करके, जो राइटर्स होते हैं वो ट्रैवल करके बुक लिखते हैं, अपने उस एक्सपीरियंस को बताते हैं, ट्रैवलिंग में जो एक्सपीरियंसेस हुआ, अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, तो ट्रैवलर्स हो गए। एक यहाँ वर्ड आया है देखो, एन अवार्ड विनिंग जियोग्राफर, ये
इन्हीं को बोला गया है, जो निक मिडिल्टन हैं उनको बोला गया है कि ये एक अवार्ड विनिंग मतलब तो समझ गया, इनको अवार्ड मिला है, ज्योग्राफर हैं। कुछ लोग इसको जियोग्राफर भी पढ़ेगा, सेम है, जियोग्राफर हैं, अवार्ड विनिंग जियोग्राफर। अब जियोग्राफर वर्ड आया जियोग्राफी से, भूगोल शास्त्र। तो तुम अगर हिंदी में इसको जियोग्राफर को हिंदी में एक वर्ड में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अगर समझना चाहें तो भूगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री होता ना, जो लोग भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसका नॉलेज रखते हैं। और ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जानते होंगे। एनवायरनमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, लैंड के बारे में, ये है हमारा ज्योग्राफी। तो ये अवार्ड विनिंग ज्योग्राफर थे निक मिडिल्टन, ठीक है। अब जियोग्राफर का यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ से देखो यहाँ तक, जियोग्राफर किसको बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर हम लोग निक मिडिल्टन नाम के ब्रिटिशर को, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, नरेटर भी हैं, आगे पता चलेगा, नरेटर भी हैं, तो नरेटर, ऑथर, ट्रैवलर होने के साथ साथ उनमें एक और क्वालिटी जुड़ गया, अवार्ड विनिंग जियोग्राफर। तब तुमको ये जानना पड़ेगा कि जियोग्राफर किसको बोलते हैं। एक तो सिंपली तुम समझ सकते हो कि जो व्यक्ति ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है उसको जियोग्राफर बोलते हैं, पर इतना सिंपल अब नहीं चलेगा। ब्रैकेट में मैंने समझाने की कोशिश की है, देखो, एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एज इट अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय दीज। ये जियोग्राफर कौन होते हैं, उनका क्या पढ़ाई होता है, उनका क्या काम होता है, सब यहाँ लिखा गया। पहला वर्ड याद रखना, एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ, एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनका एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा, अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तीसरा, कि अर्थ पर ह्यूमन एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थ ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे प्रभावित होता है। इन सभी चीजों को जो एक्सपर्ट के तौर पे पढ़ता है, पढ़ के एक्सपर्ट हो जाता है इन चीज़ों के बारे में, उसको बोलते हैं जियोग्राफर। तो खाली ये एक लाइन, मतलब जियोग्राफी से खाली इसको जोड़ के नहीं कर देना कि सर जो जियोग्राफी में एक्सपर्ट होता है, जियोग्राफी में
वो ग्रेजुएशन करता है, एमए करता है तो जियोग्राफर बन गया, ऐसा कुछ नहीं। ज्योग्राफी से ग्रेजुएट करने वाले लोग जियोग्राफर नहीं कहलाते हैं। जियोग्राफर बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड डेडिकेशन चाहिए जियोग्राफर बनने के लिए, क्योंकि उनको पृथ्वी के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं उनका मतलब एक्सपर्ट नॉलेज उनको होना चाहिए। एटमॉस्फेयर के बारे में एक्सपर्ट होने चाहिए वो। फिर बहुत क्लियरली लिखा है कि ह्यूमन एक्टिविटी कैसे प्रभावित करता है एटमॉस्फेयर को, उसके बारे में भी वो एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा पढ़ाई किया है जो इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको बोलेंगे जियोग्राफर। और हमारे जो ऑथर हैं निक मिडिल्टन, ये जियोग्राफर तो हैं ही, पर ऐसे वैसे जियोग्राफर नहीं हैं, अवार्ड विनिंग जियोग्राफर हैं। अवार्ड भी मिला है इनको। एक तो जियोग्राफर होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, ऊपर से अवार्ड विनिंग जियोग्राफर आपको याद रखना है, अवार्ड विनिंग जियोग्राफर। और ये बातें भी याद रखनी है कि जियोग्राफर असल में किस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, क्या क्या उसको आना चाहिए। तो निक मिडिल्टन ट्रैवलर हैं, बहुत सारे ट्रैवल बुक्स लिख चुके हैं। उनके ट्रैवल बुक्स में से एक बुक जो है वो बेस्ट सेलर रहा है यूनाइटेड किंगडम में 2001 में। इसके अलावा वो अवार्ड विनिंग जियोग्राफर हैं। अब जियोग्राफर क्या होता है वो हम यहाँ लिखें, आप लोग को पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। अवार्ड विनिंग जियोग्राफर हैं और उसके साथ साथ राइटर हैं, एक्सप्लोरर हैं। एक्सप्लोरर मतलब समझ गया ना, अभी बता रहे थे इन्वेंट करना और एक्सप्लोर करना, तो नए नए जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं। टीवी प्रेजेंटर भी हैं, टीवी पे शोज भी आता है इनका। और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। अब बताऊँ, निक मिडिल्टन जो इसके ऑथर हैं, ये मतलब मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, एक्सेप्शन हैं, जीनियस हैं और इनके बारे में इनका लिखा हुआ एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का नाम, टाइटल दिया है सिल्क रोड। और मैं दोहरा दूं कि सिल्क रोड स्कूल टाइम में आप लोग सिल्क रूट के नाम से ज़रूर पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा भी सेंसिबल पढ़ाई किया होगा तो अपने राइटर को, अपने ऑथर को हम लोग जान रहे थे, उनका अचीवमेंट्स जान रहे थे। ठीक है, राइटर हैं, एक्सप्लोरर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं। अब अवार्ड विनिंग बोला गया जियोग्राफर, तो अवार्ड देखो यहाँ दिया हुआ है कौन कौन सा अवार्ड मिला था इनको।
भले ही हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस अवार्ड को नहीं जानते हों, हम लोग जानते हैं परमवीर चक्र मिलता है, नोबल अवार्ड मिलता है, वैसे वैसे, तो ये भी अवार्ड है, नेस अवार्ड एक लिखा हुआ है और एक है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। रॉयल वर्ड अगर आ गया तो मतलब राजा महाराजा से जुड़ा हुआ, तो नेस अवार्ड इनको दिया गया था। और क्यों दिया गया था उसका रीजन यहां लिखा हुआ है, यहां से यहां तक क्यों दिया गया इनको, क्या इन्होंने ऐसा किया कि इनको नेस अवार्ड दिया गया रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। तो अभी हम लोग अपने ऑथर को, निक मिडिल्टन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पर्सनालिटी को ओवरऑल। और अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चली हैं उनके बारे में, आगे भी ये जो बोला है कि अवार्ड दिया है, वो अवार्ड विनिंग जो है तो नेस अवार्ड दिया गया है उनको, क्यों दिया गया ये यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन रिकॉग्निशन ऑफ वाइडनिंग द पब्लिक इंथुजियाज्म फॉर ज्योग्राफी थ्रू ट्रैवल राइटिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि नेस अवार्ड क्यों दिया, क्या किया था उन्होंने ऐसा, तो देखो यहाँ दो तीन वर्ड्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक को अवेयर किया। देखो वाइडनिंग वर्ड का मतलब है टू मेक अवेयर, जागरूक किया पब्लिक को। इंथुजियाज्म मतलब हो गया जोश या जागरूक करना। उन्होंने पब्लिक को जागरूक किया किसके प्रति, ज्योग्राफी के प्रति। और ज्योग्राफी का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। और ऐसा उन्होंने करने के लिए अपने ट्रैवल बुक्स का सहारा लिया, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को जागरूक करने का काम किया, पब्लिक में एक इंथुजियाज्म लाने का काम किया। किस चीज़ के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति। अब ज्योग्राफी तो तुम लोग एक विषय के रूप में खाली लोगे, नहीं, ज्योग्राफी का मतलब है कि उन्होंने लोगों को जागरूक किया एटमॉस्फेयर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। और ये सब काम उन्होंने किया अपने ट्रैवल बुक से। उसके बाद उनका एक यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ाते थे, वहाँ यहाँ नाम दिया हुआ है, ही ऑल्सो टीचेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे। तो ये है निक मिडिल्टन का एक, ये पैराग्राफ अबाउट द ऑथर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसमें से जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको आपको याद रखना होगा, नोट करके याद रखना होगा। और अगर उन चीज़ों को कभी ज़रूरत पड़े आंसर में, रिलेवेंट हो आंसर में लिखने के लिए, तो लिखो, बाकियों से तुम्हारा आंसर अलग रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा। किस किताब के लिए, उन कौन सा किताब उनका बेस्ट सेलर था,
किस ईयर में, तो वो आपको बताएं हम। और अवार्ड कौन सा मिला था उनको, तो वो भी बताएं हम। अवार्ड विनिंग जियोग्राफर थे, तो जियोग्राफर का मतलब क्या होता है वो भी बताएं हम। जियोग्राफर के अलावा, अवार्ड विनिंग जियोग्राफर के अलावा वो और क्या क्या थे, ये भी लिखा हुआ है। राइटर थे, एक्सप्लोरर थे, टीवी प्रेजेंटर थे, मतलब हैं। एट प्रेजेंट भी इनका नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो होता है उस पे इनका डॉक्यूमेंट्री, इनका द्वारा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्री अभी भी दिखाया जाता है, अभी भी। ही इज 62 ईयर्स ओल्ड, इनके डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए जाते हैं, ट्रैवल स्टोरीज दिखाए जाते हैं। ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं और लेक्चरर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर यहाँ लिखे थे, तो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो यहाँ दिया गया। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया था वो यहाँ लिखा गया। सिंपल वर्ड्स में समझो, डिफिकल्ट ये में मत पढ़ो। वाइडनिंग नहीं याद रहेगा तो, उन्होंने लोगों को अवेयर किया किस चीज़ के प्रति, लोगों में लोगों को अवेयर किया और लोगों में इंथुजियाज्म लगाया किस चीज़ के प्रति, ज्योग्राफी के प्रति। अब ज्योग्राफी का यहाँ मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, उसके प्रति। और ऐसा करने के लिए उन्होंने यूज़ किया अपने ट्रैवल बुक्स को, इसीलिए उनके अवार्ड दिया गया। ही वॉज अवार्ड विनिंग जियोग्राफर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवल बुक्स जो इन्होंने लिखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्हीं ट्रैवल बुक्स में से एक बुक का एक छोटा सा हिस्सा हमारा ये चैप्टर सिल्क रोड है। पूरा बुक है उसका एक छोटा सा हिस्सा एकदम सिल्क रोड, तो उस बुक के भी बारे में जानेंगे। और भी बुक्स क्या क्या इन्होंने ट्रैवलिंग बुक्स लिखा है, एक ट्रैवलिंग बुक का नाम तो ऊपर मिला जो बेस्ट सेलर था, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।